हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। हमने साइंस में 10th क्लास में पहला चैप्टर हमारा चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हमने केमिकल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस 5 तरह की आपकी क्लास में दी हुई है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नंबर 5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब ऐसी कोई चीज जिसको कंबाइन किया गया हो, जोड़कर बनाया गया हो। तो ऐसी रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिल करके एक सिंगल कंपाउंड बनाए, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है कि CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट निकल जाती है। आपका एक्टिविटी 1.4 में भी ये दिया हुआ है कि एक आपने जा फ्लास्क लिया, फ्लास्क में आपने थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया और उसमें ऊपर से पानी डाल दिया। आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़ी देर बाद वो जो आपका फ्लास्क था वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा क्योंकि इसमें से हीट निकलने लगेगी और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि कार्बन की हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कैसे होगी, जितने भी कार्बन मटेरियल होते हैं यानी कि कार्बन के कंपाउंड होते हैं जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है या और भी लकड़ी है, जो जिसमें भी कार्बन पाया जा रहा है, अगर वो हम एयर में जलाते हैं, हमें पता है कि एयर में जो जलने के लिए जो गैस हेल्पफुल होती है वो ऑक्सीजन होती है। तो कोई भी अगर कार्बन कभी भी जलेगा तो इसका मतलब वो कैसे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज को आप जला रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। सी कार्बन की रिएक्शन हमने कराई ऑक्सीजन से तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। और आप कोई भी चीज जलाते हो तो उसमें से हीट निकलती है क्या, नहीं निकलती है, बिल्कुल निकलती है। तो यहां पर भी हीट रिलीज होगी, हीट भी रिलीज होगी और लाइट भी रिलीज होगी, लेकिन लाइट यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि यहां पर हीट आपकी निकल रही है। ठीक है, चलिए इसके अलावा इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलता है, कंबाइन होता है, जुड़ता है तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, 2H2O। ठीक है, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अगर मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो अभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे थे और आप देख रहे थे कि इन सारी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी। तो वो सारी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उनको, उनका भी एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट बनने के साथ साथ उसमें हीट भी रिलीज हो रही है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि सबसे पहली एक्टिविटी आपने करी मैग्नीशियम रिबिन को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया या उसको जलाया, बर्निंग करी, आपने देखा कि उसमें से हीट भी निकली और उसके साथ साथ आप मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बन गया। या फिर आपने कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने को पानी में डाला, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है और उसमें से हीट निकलती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ उसमें हीट भी रिलीज हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रिएक्शन, वो रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज हो रही है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही है, साथ ही में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। या फिर हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती है
वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि आपका जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उनको, उसको भी इन्होंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना है। क्योंकि देखिए, जब आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस में, पहला टॉपिक आपका न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन में आप ये देखोगे कि जब आप खाना खाते हो तो वो खाना आपके मतलब स्टोमक में जाता है, वहाँ पर पार्शियली डाइजेस्ट होता है, उसके बाद छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ पर वो पूरे तरीके से डाइजेस्ट होता है और वहाँ पर छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं उसके थ्रू वो ब्लड वेसल्स में मिल जाता है। मतलब खाना जो होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है और वो ब्लड में मिल जाता है। फिर ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड का काम ये होता है कि वो उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है और पूरी बॉडी की हर एक सेल तक उसको पहुँचा देता है। अब हर एक सेल तक आपका ग्लूकोज पहुँच चुका होता है। फिर ब्लड का दूसरा काम क्या होता है, वो वापस लंग्स में आता है, वहाँ लंग्स में वो जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे सांस लेने के बाद हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, उस ऑक्सीजन को वो रिसीव करता है वहाँ से और फिर उसी ऑक्सीजन को ले जाकर के वो हर एक सेल तक पहुँचाता है। वहाँ पर जो सेल होती है वहाँ पर ऑलरेडी ग्लूकोज जो है वो पहले से वहाँ पर मौजूद होती है और वो ग्लूकोज उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वो एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। इसी एनर्जी को हमारी बॉडी जो है एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में स्टोर कर लेती है और जितनी एनर्जी हमें ज़रूरत होती है उतनी एनर्जी हम लेते रहते हैं। तो इसका मतलब हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में सिर्फ सांस लेना ही नहीं होता है, हमने सांस ली यानी कि ऑक्सीजन को रिसीव करा अंदर, वो ब्लड में मिली, ब्लड ने उसे हर एक सेल तक पहुँचाया, वहाँ पर सेल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और फिर उस रिएक्शन के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई उस सारी प्रोसेस को उन्होंने रेस्पिरेशन को क्या डिफाइन करा है। ये हम चैप्टर नंबर 6 में जब आएगा आपका तो हम पूरे डिटेल से इसे पढ़ेंगे। फिलहाल इन्होंने रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर किया है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, आप समझ गए होंगे। चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है। C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की रिएक्शन किससे होती है, ऑक्सीजन से, ये क्या है आपका O2 ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। वो एनर्जी आप पढ़ेंगे कि वो एनर्जी जो होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल के फेस में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है और जब हमें उसकी जरूरत होती है हम लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, एक बार में उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। चलिए इसी के साथ ये आपका पहला टॉपिक जो था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिनिश हुआ। अब हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक, चलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को समझते हैं। इसको समझते हैं हम एक एक्टिविटी से। देखिए सबसे पहले आपने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने 2 ग्राम 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लिया। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आप इसका कलर बताइए, तो इसका कलर बच्चों होता है ग्रीन। कैसे कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का, ठीक है। आपने 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लिया टेस्ट ट्यूब में। अब उस टेस्ट ट्यूब को आपने क्या करा, बॉयल करा या हीट करा, नीचे आपने उसके क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया और बर्नर पे आपने उसको होल्डर से पकड़ के उसको हीट किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद आपसे पूछ रहे हैं क्या ऑब्जर्वेशन रहा, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या बन करके आया। तो देखिए क्या होता है, जब हम फेरस सल्फेट, ये आपको हमने डिस्कस कर लिया कि ये कैसे कलर का है, ग्रीन कलर का है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है और ये फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है। तो आप देख रहे हैं कि कलर में भी चेंज आ रहा है और एक सब्सटेंस एक से ज्यादा सब्सटेंस में टूट रहा है। तो इस रिएक्शन की क्या डेफिनेशन, तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन टू गिव मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड टूट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड दे रहा है वो कहला रहा है, वो रिएक्शन कहला रही है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका तो नाम ही डीकम्पोज है, डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना, तो यानी कि कोई सब्सटेंस टूट रहा है और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बन रहा है, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल तो आपने पढ़ी लिया फेरस सल्फेट का, अब हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, देखिए
ये टूटता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और ये आपका सॉलिड होता है, ठीक है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। स्टूडेंट एक पॉइंट आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि एक पॉइंट यहां पर क्या है कि ये रिएक्शंस हीट से पूरी हो रही है, तो यहां पर आपको हीट लगाना पड़ रही है, और इससे पहले वाले रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप कर रहे थे वहां पर हीट रिलीज हो रही थी, यहां पर रिएक्शन कराने के लिए आपको हीट देना पड़ रही है। तो वो रिएक्शन जिसमें आपको हीट देना पड़े यानी कि हीट इवॉल्व मतलब हीट एब्जॉर्ब हो, तो वहां पर हम हमारी रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है, वो आगे अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने देखा ये ठीक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उलट है, यानी कि उसकी अपोजिट रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा का रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, यहां पर रिएक्टेंट जो है वो सिंगल है और मतलब रिएक्शन होने के बाद ये दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। वहां पर हीट रिलीज हो रही थी, यहां पर हीट पहले से चाहिए इसको। तो हमने देखा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। चलिए आप आगे देखते हैं, ये अगला पॉइंट देखते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होंगी? द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन बाई हीट और गिव टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही की तरह है, लेकिन इसमें ये कि स्पेशली ये जोड़ दिया है कि अगर वो रिएक्शन जिसको पूरा करने के लिए हीट जो है जरूरी है, तो हम ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जिनको पूरा कराने के लिए आपको हीट जो है वो रिक्वायर्ड है, हीट जरूर होना चाहिए, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अब हम आगे देखते हैं, चलिए एक्टिविटी 1.6 देखते हैं। एक्टिविटी 1.6 में क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी 1.6 में दिया हुआ है कि आप 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ले लीजिए, इसको एक टेस्ट ट्यूब में कर लीजिए, और उस टेस्ट ट्यूब में करने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को आप बर्नर पर गर्म करिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? देखिए टू अब जो आपका है लेड नाइट्रेट PbNO3, इसको आप गर्म कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस। अब आप इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। देखिए लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है वो होता है कलरलेस। ये कैसा होता है? कलरलेस। ठीक है, अब हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के बाद क्या हो रहा है? 2PbO क्या बन रहा है? ये 2PbO लेड ऑक्साइड। और क्या बन रहा है? और बन रहा है 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये क्या था आपका? ये सॉलिड था। और क्या बन रहा है? और बन रहा है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ब्राउन फ्यूम्स की होगी। ठीक है, और ये लेड ऑक्साइड 4NO2 का कलर कैसा था? ब्राउन फ्यूम्स का था। इसके बाद ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड का कलर जो होगा वो कैसा होगा? येलो होगा। ठीक है, इसी के साथ ये एक्टिविटी आप देख रहे हैं कि कलरलेस PbNO3 येलो कलर के लेड ऑक्साइड में चेंज हो गया, और साथ ही साथ कलरलेस PbNO3 3 प्रोडक्ट्स में टूट गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी एक आप प्लास्टिक मग, एक आपका आपको प्लास्टिक का मग ले लेना है और ड्रिल 2 होल्स और उसकी बॉटम में 2 होल कर देना है आपको। ठीक है, एंड इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स, और उसके होल्स में रबर स्टॉपर्स लगा देना है ताकि उसमें से पानी या जो भी चीज आपकी मग के अंदर भरी जाए वो लीक ना हो, निकले नहीं उसमें से। ठीक है, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड और उसमें 2 इलेक्ट्रोड आप लगा दीजिए, और उन दोनों इलेक्ट्रोड को एक 6 वोल्ट की बैटरी से आप जोड़ दीजिए। ठीक है, फिल द मग विद वाटर और उस मग को वाटर से भर दीजिए, सच दैट इस तरह से भरिए कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो पानी में डूबे रहें, और उस पानी में आप डाइल्यूट H2SO4 भी डाल दीजिए, कुछ इस तरह से जिस तरह से आपके ये इसमें दिखाया गया है फोटो में।
ठीक है। चलिए टेक टू टेस्ट ट्यूब विद वाटर और दो टेस्ट ट्यूब और ले लीजिए और दोनों टेस्ट ट्यूब को उन जो इलेक्ट्रोड है उनके ऊपर उल्टा करके रख दीजिए, ठीक है। स्विच द करंट, करंट को चालू कर दीजिए, खोल दीजिए और लीव द अपार्टस फॉर सम टाइम, और उस अपार्टस को कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दीजिए। आप क्या ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया यू विल ऑब्जर्व द परफॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड। आपने देखा कि आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पर जो है बबल्स उठना शुरू हो गए, ठीक है, बबल्स निकलने लगे। फिर आपने क्या करा, क्या पूछा, क्या इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट एट द सेम बोथ टेस्ट ट्यूब, क्या जो दोनों टेस्ट ट्यूब है उनमें बराबर वॉल्यूम है, यानी कि बराबर बबल उठे, यानी कि बराबर वॉल्यूम गया दोनों का। वंस द टेस्ट ट्यूब फिल द रेस्पेक्टिव गैसेस, जो टेस्ट ट्यूब भर गई गैस से उसको आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से केयरफुली उसको उठा लेना है, वहां से हटा देना है और टेस्ट दीज गैसेस, और जो दोनों टेस्ट ट्यूब है, आप दो टेस्ट ट्यूब लगाई हुई है, हर एक टेस्ट ट्यूब में बबल्स भर गए यानी गैस भर गई है दोनों में। अब उन दोनों टेस्ट ट्यूब को आपको ध्यान से निकाल लेना है, अलग कर लेना है और उन दोनों में कौन सी गैस है ये आपको टेस्ट करना है। तो आपने क्या करा, इसको टेस्ट करने के लिए आप एक मोमबत्ती जलाइए और उस मोमबत्ती के पास धीरे धीरे उस टेस्ट ट्यूब को लेकर के जाइए। ये सब करने के लिए आपको टीचर का असिस्टेंस जरूरी है, यानी कि टीचर की देखरेख में आप ये प्रैक्टिकल या एक्टिविटी करिए। हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब ए एक टेस्ट ट्यूब बी। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सी गैसेस हैं कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या करा था कि एक कैंडल को हमने लाइट कर लिया था, यानी कि कैंडल हमने एक कैंडल को हमने जला लिया, ठीक है, और उस कैंडल के पास पहली वाली टेस्ट ट्यूब को लेकर के गए केयरफुली। तो हमने देखा कि ये टेस्ट ट्यूब ए जो थी वो कैसे जली, और तेजी से जलने लगी, ठीक है। तो जब वो तेजी से जलने लगी तो इसका मतलब इसमें कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, जलने में हेल्पफुल होती है। और अगर टेस्ट ट्यूब हम बी लेकर के आ रहे हैं और वो किस साउंड से जल रही है, पॉप साउंड से जल रही है, ठीक है, पॉप साउंड के साथ हल्का सा एक्सप्लोजन होता है या पॉप साउंड के साथ भक से हो जाता है, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर क्या है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हमेशा पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.8, इसमें क्या दिया हुआ है। टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम आपने सिल्वर क्लोराइड ली इन चाइना डिश, चाइना की डिश में, और उसको आपने ये कह रहे हैं कलर, आप मतलब उसका कलर क्या था, तो उसका कलर था व्हाइट, ठीक है, व्हाइट कलर का की होती है सिल्वर क्लोराइड, और आपने उसको चाइना की चाइना डिश को, मतलब सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखा और उस चाइना डिश को आपने सनलाइट में रख कर छोड़ दिया कुछ देर के लिए। तो आपने देखा, पूछ रहे हैं क्या ऑब्जर्वेशन रहा आपका, तो ऑब्जर्वेशन ये रहा कि सिल्वर क्लोराइड जिसका फॉर्मूला HCl होता है उसको हमने सनलाइट में छोड़ दिया तो ये डिकम्पोज हो गई, क्या क्या बना, सिल्वर बना और क्या बना, क्लोरीन बना। ये जो सिल्वर बनेगा यहाँ पर ये ग्रेइश व्हाइट, यानी ग्रे कलर का व्हाइट होगा, और ये जो क्लोरीन बनेगी ये येलोइश व्हाइट होगी, यानी कि पीले कलर की, पीला कलर और सफेद कलर वाला येलोइश व्हाइट होगा, ठीक है। इस तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड का अभी आपको दिया हुआ है, वो भी आपको ऐसे ही बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर है उसका भी, वो भी आप खुद कर लेंगे आराम से। चलिए आप इसका ओवरऑल कंक्लूजन देखते हैं क्या रहा। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा, पहले हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट लगा कर भी रिएक्शन को करा, फिर हमने बबल पानी वाला जो एक्टिविटी थी, वाटर वाली एक्टिविटी, उसमें भी हमने देखा कि हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाई, फिर सिल्वर क्लोराइड वाला एग्जांपल करा हमने, उसमें सनलाइट से रिएक्शन हो गई उसमें। तो हमने देखा क्या देखा, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पूरा होने के लिए एनर्जी चाहिए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, चाहे ये फॉर्म हीट की फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो या लाइट की फॉर्म में हो, ठीक है, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है और लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है। एक बात याद रखिएगा, जो आपने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा है उसमें स्पेशली हीट की बात करी गई है,
लेकिन जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें हीट किसी ना किसी फॉर्म में है ही। हीट हीट की फॉर्म में है, मतलब एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है और लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो जिस जिन रिएक्शन में हीट ही रिलीज होती है सिर्फ, मतलब हीट ही चाहिए होती है, तो उनको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बाकी सारी वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसको स्पेशली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया गया है। बहरहाल इसके आगे हम देखते हैं रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होती है आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी, यहां पर क्या हो रहा है एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो उनको क्या कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस तरीके से ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन दूसरा पार्ट भी हो गया। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का मतलब उसकी जगह ले ले, दूसरे एलिमेंट की जगह ले ले इन आ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में आर नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। या फिर हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक मोर रिएक्टिव मेटल जब किसी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है और खुद अपनी सॉल्यूशन बना लेता है, तो हम वहां पर कहते हैं यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। इसको एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, जैसे CuSO4 है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं जिंक से। तो हम जानते हैं कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी 9th क्लास में, हम जानते हैं कि ZN जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जो जिंक है ये कॉपर को क्या कर देगा यहां से हटा देगा और अपना सॉल्यूशन यानी कि ZnSO4 अपना सॉल्यूशन बना लेगा और कॉपर से कहेगा भैया जाओ देख लो यहां से पतली गली से, तो कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और अपना सॉल्यूशन बना लेगा, इसी टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम यूं भी बोल सकते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हो गया। चलिए अब इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.9। एक्टिविटी कौन सी है ये 1.9, एक्टिविटी 1.9 देखते हैं क्या है एक्टिविटी 1.9। कह रहा है टेक 3 ml टेक 3 iron nail, 3 iron nail ले लीजिए यानी कि 3 कीले ले लीजिए आप। ठीक है, टेक 2 test tube और साथ ही साथ 2 test tube भी ले लीजिए आप, फिल CSO4 इन बोथ और दोनों टेस्ट ट्यूब में आप CuSO4 10 ml या 15 ml जैसा आपका सुविधा हो उसके मुताबिक आप भर लीजिए दोनों को। अब टाइप 2 iron nail, 2 iron nail को धागे से बांध दीजिए और उसको एक टेस्ट ट्यूब बी में केयरफुली डुबो दीजिए। ठीक है, कौन से सॉल्यूशन में? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो जिसमें आपने दो टेस्ट ट्यूब ली है, एक टेस्ट ट्यूब ऐसे छोड़ देना है और एक टेस्ट ट्यूब में आपको आयरन नेल डुबो देना है, दोनों आयरन नेल डुबो देना है और 20 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ देना है, 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर। अब दो जो टेस्ट ट्यूब थी जो दोनों ब्लू कलर की थी, आप देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब का कलर हल्का हो गया और एक टेस्ट ट्यूब का कलर गहरा है। ठीक है, और आयरन नेल को भी कंपेयर करेंगे, आयरन नेल, एक आयरन नेल जो होगी आपकी बिल्कुल जैसे ग्रे कलर की थी वैसे ही होगी और एक जो होगी आपकी वो कैसे कलर की हो गई होगी, ब्राउन कलर की हो गई होगी। ऐसा क्यों हुआ इसको हम समझ लेते हैं, देखिए क्यों हुआ ऐसा। देखिए ये आपकी रिएक्शन है Fe+CuSO4, FeSO4+Cu, आयरन ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करी, बना आपका फेरस सल्फेट और साथ ही साथ बना क्या, कॉपर। तो आपने देखा जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था पहले डार्क ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे ही उसने FeSO4 ने अपना सॉल्यूशन बनाया, क्योंकि FeSO4 का सॉल्यूशन लाइट ग्रीन कलर का होता है, हल्का होता जाएगा तो ब्लू कलर को थोड़ा सा हल्का कर देगा, फेड हो जाएगा कलर। और जो आपकी कील थी जो आयरन की थी उसके ऊपर जो है कॉपर की कॉटेड हो जाएगी, नहीं कॉपर की लेयर उसके कील के ऊपर चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो ग्रे कलर से ब्राउन कलर की हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि कॉपर का कलर ब्राउन होता है तो उसकी कील की ऊपरी सतह पर कॉपर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी। और कॉपर सल्फेट से, क्योंकि फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन रहा है, इसलिए उसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं अगली रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब हम देखते हैं चौथी रिएक्शन, चौथा टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट, वो रिएक्शन जिनमें दो कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस, और अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं और टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स और नए कंपाउंड्स बनाते हैं, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इस तरह के रिएक्शंस को, इस तरह के टाइप ऑफ रिएक्शंस को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 की रिएक्शन हमने कराई NaCl से, तो Ag तो मिल गया Cl के साथ, Ag ने अपना कंपाउंड बनाया Cl के साथ, AgCl बन गया और NaNO3, NaNO3 के साथ चला गया। तो Ag हम जानते हैं Ag पॉजिटिव चार्ज का होता है, ये नेगेटिव चार्ज का होता है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ जाएगा, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, Na जो है NO3 के साथ जाएगा, तो आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब हम इसकी एक्टिविटी को समझते हैं, ये एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.10, एक्टिविटी 1.10 देखते हैं क्या है। टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, हमने 3 ml सोडियम सल्फेट ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने 3 ml बेरियम क्लोराइड ले लिया। ठीक है, इन दोनों को हमने, दोनों टेस्ट ट्यूब को आपस में मिक्स कर लिया। अब दोनों को मिक्स करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन रहा आपका, क्या आपने ऑब्जर्व किया देखते हैं। देखिए Na2SO4 ये क्या है आपका, सोडियम सल्फेट, ये ले लिया आपने, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या था, बेरियम क्लोराइड, वो ले लिया, दोनों को मिक्स कर लिया, मिला लिया। मिलाने के बाद आपने देखा बना क्या आपका, BaSO4 बेरियम सल्फेट और 2NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका था सोडियम सल्फेट, ये क्या था, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और ये था बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपने देखा यहां भी क्या हो रहा है, यहां देखिए Na2 है, Na2Cl2 के साथ जाकर के 2NaCl ने अपना सॉल्यूशन बना लिया, Ba जो गया वो SO4 के साथ गया, BaSO4 ने अपना एक सॉल्यूशन बना लिया, तो यहां पर क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हो गया, Ba पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव SO4 के साथ गया, Na पॉजिटिव होता है Cl नेगेटिव के साथ गया, इस तरीके से आयंस का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो अब हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें। यह चैप्टर हम 3 पार्ट्स में खत्म करेंगे। ये मेरा दूसरा वीडियो था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कोरोजन रेसिडिटी और कुछ बैलेंस करने वाली इक्वेशन थे जो एक्सरसाइज में आपकी दी हुई, उसको करेंगे। ठीक है।